search Digipo on YouTube. का ड्रैगन दादा का है, बिना मेरी इजाजत यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए निकला हूँ। टेस्ट के लिए? किसी और काम के लिए? मुझे उससे क्या? मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें झट से निकल जाऊंगा, समझ गए ना? ठीक है, तो हमारी बात तय हो गई है ना? ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ। बताओ दुनिया की सभी चीजों में से कमाल की कौन सी है, पता है? सबसे कमाल की चीज? ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ध्यान से सोचो, तुम्हारे सामने भी हो सकती है वो। लंबी यात्रा। चूचू शहर में एक नई सुबह। हेलो। हाय। लेकिन लगता है कि टीटी पो की अभी तक आंख नहीं खुली है। टीटी पो? टीटीपो, तुम्हारी शिफ्ट का समय हो गया है। टीटीपो? जी, अभी आया। आज देर से नींद खुली। फिक्स, फिक्स, मेरा नाम है फिक्स। लेफ्ट, लेफ्ट, गुड मॉर्निंग, लेफ्ट। यो, टीटीपो। गुड मॉर्निंग। हाय, बाय। बाय दोस्त। फिर मिलेंगे। अरे नहीं, नहाना तो भूल ही गया। क्या करूं, बहुत देर हो गई। गुड मॉर्निंग डीजल। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी नींद भी देर से खुली? हाँ, नहीं मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं जरा जल्दी में हूँ। मुझे भी नहाने जाना है। अगर सोगे तो खोगे, माफ करना। एक मिनट, मतलब तुम्हारी आखिरी बारी। बेचारा टीटीपो। गलत बात है। टीटीपो को देर हो ही गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्ब। तो आखिरकार तुम आई गए टीटीपो, काफी देर कर दी आज, अब जल्दी से जाओ। बाद में मिलता हूँ मिस्टर हर्ब। ठीक है, ध्यान से जाना। अगले दिन की शुरुआत। टीटीपो, टीटीपो, काम पर जाने का समय हो गया है, जल्दी उठो। फिर से देर से नींद खुली, जल्दी से तैयार होना होगा। हाँ, एक खुला हुआ है। डीजल। बेचारा टीटीपो आज फिर मेरे पीछे। हेलो मिस्टर हब। टीटीपो, आज फिर देर से आए हो तुम, तुम्हें जल्दी सोकर उठना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम देर तक सोगे तो मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा, और अगर काम पर देर से। मिस्टर हब ने टीटीपो को प्यार से समझाया जल्दी उठने के लिए। अब मैं चलता हूँ मिस्टर हब। ठीक है, ध्यान से जाना। ये तो डीजल है, सबसे तगड़ा डीजल। डीजल? टीटीपो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हारी वजह से मिस्टर हब से इतनी बातें सुननी पड़ी। उस समय मैं जल्दी में था ना, सॉरी टीटीपो। अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। क्या टीटीपो? वो नाराज हो गया, पर मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। कई दिन हो गए, टीटीपो और डीजल की आपस में कोई बात नहीं हुई। अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है, घूमने जाने का मजा ही अलग होता है ना दोस्तों? अगले दिन काम पूरा करने के बाद टीटीपो वापस चूचू टाउन आ गया। मेरा काम पूरा हो गया, शाबाश। टीटीपो, अच्छा है तुम वापस आ गए। सुनो, कल तुम्हें पटरियां टेस्ट करने के लिए जाना है ना? हाँ, मैं कल जाऊंगा, फिर कुछ दिनों के बाद वापस आऊंगा। कल तुम्हें लंबा सफर करना है,
तो इसीलिए जाकर आराम कर लो टीटीपो। ठीक है, मैं जाता हूँ। गुड नाइट मिस्टर हब। गुड नाइट। सोने चलते हैं। हाँ। शायद डीजल अब तक नहीं आया। गुड नाइट एरिक, टीटीपो। आराम से सोना। क्या जाने से पहले डीजल से दोस्ती कर लूं? डीजल को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। लो आ गया वो। मैं आ गया। शाबाश डीजल, तुम थक गए होगे, जाओ अब सो जाओ। ठीक है। ओ, मिस्टर हब, क्या टीटीपो भी वापस आ गया? हाँ, टीटीपो कुछ ही देर पहले वापस आया है। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ अब। ठीक है, गुड नाइट। क्या मैं टीटीपो से मिल लूं? पर शायद वो सो चुका होगा। चलो मैं उसे नहीं जगाता हूँ। फिर वो सुबह आ ही गई जब टीटीपो को लंबी यात्रा के टेस्ट के लिए जाना है। टीटीपो, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुमसे मिलने आए हैं और गुड लक बोलने, क्योंकि तुम बहुत दूर जा रहे हो। ध्यान से जाना टीटीपो। सबका शुक्रिया, लेकिन वो डीजल कहाँ है? अरे हाँ, वो तो दिखा ही नहीं दिया। जल्दी जाके वापस आओ, नई नई बातें हमें बताओ और हमें नए नए किस्से सुनाओ। जरूर, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वापस आकर मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना। सेट। टीटीपो, गुड मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है तुम्हें? हाँ, लेकिन डर भी लग रहा है। तुम कर लोगे, चिंता मत करो। ठीक है, डिब्बे लगा ले हम। हाँ। अब तुम तैयार हो? शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। ध्यान रखना। ठीक है। गुड मॉर्निंग मिस्टर हब। ओ, आ गए तुम। ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो? हाँ। अच्छा ये बताइए, क्या डीजल काम पर गया? अफसोस है तुम इससे मिल नहीं पाए, वो भी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या कोई परेशानी है टीटीपो? नहीं, कुछ भी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अपना ध्यान रखना तुम। जरूर रखूंगा, वापस आकर मिलता हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना। ठीक है। टीटीपो, टीटीपो। टीटीपो। टायो। आज कहाँ जा रहे हो तुम? इस बार मैं दूर जा रहा हूँ, सफर बहुत लंबा है। लंबा सफर? फिर तो मजे करोगे तुम। वापस आकर मिलता हूँ। बिल्कुल, जल्दी मिलेंगे हम। ओ, ये तो डीजल है। क्या उसे बता दूँ कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ? अरे नहीं, हमारे रास्ते ही अलग अलग हो गए। और टीटीपो को डीजल से मिले बिना ही जाना पड़ा। रख रहा हूँ। सामान रख दिया डीजल, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, शुक्रिया क्रेनी। अजीब बात है, मैंने डीजल को कभी भी इतना उदास नहीं देखा। डीजल। ओ? हेलो। टायो, तुम यहाँ? आज सुबह अचानक मुझे टीटीपो मिला और अब देखो तुम मिल गए। अच्छा, टीटीपो से मिले तुम? हाँ, उसने कहा वो बहुत दूर जा रहा है। दूर जा रहा है वो? डीजल। क्या हुआ, उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो जा रहा है? नहीं बताया था। मुझे दूसरी तरफ जाना है, फिर मिलेंगे डीजल। गुड बाय टायो। कल रात को अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जगा देता। टीटीपो। हाँ, हे
हेलो मिस्टर हब। मौसम विभाग ने बताया है कि वहाँ मौसम खराब रहेगा, अभी कैसा है? बढ़िया, अब तक तो अच्छा है। चलो अच्छा है, कहीं रास्ते में झपकियाँ लेते हुए तो नहीं जा रहे? बिल्कुल नहीं, चिंता मत कीजिए मिस्टर हब। ध्यान रखना, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मुझे तुम पर विश्वास है। जी मिस्टर हब। कितनी गर्मी है, एक के बाद एक रेत के पहाड़ आ रहे हैं। ओ, डीजल? लगता तो डीजल ही है। हाँ, शायद वही है। डीजल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डीजल, रुक जाओ! ये क्या हो रहा है? रेगिस्तान की गर्मी टीटीपो पर अपना असर दिखा रही है। वो क्या है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर, मिस्टर। क्या बात है टीटीपो? रेत का तूफान, जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, समझ गया, पर मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तूफान बहुत तेज। टीटीपो, टीटीपो। मिस्टर, मेरा संपर्क टूट गया, अब मैं क्या करूँ? टीटीपो रेत के जबरदस्त तूफान में फंस गया है, हिम्मत से काम लेना टीटीपो। नई पटरियों को चेक करने के लिए टीटीपो लंबी यात्रा पर निकल गया। नदी के पार, ऊंचे पहाड़ों को पार करने के बाद जब टीटीपो घने रेगिस्तान से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था, वो रेत के एक जबरदस्त तूफान में फंस गया। लंबा सफर, भाग दो। चूचू शहर में छोटी रेलगाड़ियां इकट्ठा हुई हैं। टीटीपो, टीटीपो, टीटीपो। मिस्टर हब, क्या टीटीपो से कोई बात हुई? नहीं जीनी, अभी तक तो बात नहीं हुई। क्या टीटीपो को कुछ हो गया है? क्या कोई बुरी खबर है? अरे नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। रात ज्यादा हो चुकी है, तुम अपने अपने कमरे में जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। जी सर। क्या कहती हो? टीटीपो ठीक तो होगा ना? उम्मीद तो यही है। सभी को गुड नाइट। ठीक है, बाय। गुड नाइट एरिक। गुड नाइट जीनी। उम्मीद करता हूँ कि टीटीपो ठीक होगा। डीजल, होश आ गया तुम्हें? तुम कौन हो? हाय दोस्त, मेरा नाम है जेनी। जेनी? हाय, मैं हूँ टीटीपो। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? पता है, तुम मुझे बेहोश मिले। इस इलाके में रेत के तूफान आते रहते हैं और आज का तूफान तो बहुत ही जबरदस्त था। मैं उसमें से निकल रही थी, तभी मैंने तुम्हें देखा, तो मैं तुम्हें अपने साथ खींच कर ले आई। तो ये हुआ था, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, चलो अच्छा है कम से कम तुम्हें होश तो आया। इससे पहले मैंने रेत का तूफान नहीं देखा, डरावना था। इतना भी डर नहीं लगता, मैं दूर दूर फैले देशों में सामान लेकर जाती हूँ। आमतौर पर मुझे पहुँचने में कई कई दिन लग जाते हैं, इसलिए मुझे रेत के तूफान की और बर्फ के तूफान की भी आदत है। वाह! ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पटरियाँ टेस्ट करने निकला हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ। मिस्टर हब से बात करने की फिर से कोशिश करनी चाहिए। जरूर। मिस्टर हब, मिस्टर हब। कोई जवाब नहीं मिला। रेत के तूफान की वजह से रेडियो खराब हो गया होगा। चलो मेरे साथ आओ। ठीक है।
क्या बात है? मुझे अपने चूचू टाउन के दोस्तों की बहुत याद आ रही है। तो तुम उदास हो, है ना? अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ। चक चक चूचू, चक चक चूचू, फिर से चक चक चूचू, चक चक चूचू, छोटी रेल चक चक चूचू, चलो मिलकर चक चक चूचू, पटरी पर चक चक चूचू, गाए हम चक चक चूचू, मस्ती करें चक चक चूचू, जोर से गाएं चक चक चूचू, चक चक चूचू, चक चक चूचू, चक चक चूचू, चक चक चूचू। टिटिपो, जब परेशान हो जाओ तो इसे गाना। हाँ, ऐसा ही करूँगा। टिटिपो, अब इस तरफ की पटरी पर चलते जाओ। हाँ, मुझे इस तरफ से जाना है, यहाँ से हम अलग हो जाएंगे। ओ, बहुत बुरा लग रहा है। सुनो जेनी, किसी दिन चूचू टाउन आओगी ना? ठीक है, जरूर आऊंगी। जल्दी मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। जेनी से अलग होने के बाद टिटिपो अपने रास्ते पर चल पड़ा। सफर बहुत लंबा था, लेकिन शुक्र है वो ज्यादा परेशानी के बिना अपनी मंजिल पर पहुंच गया। टिटिपो, टिटिपो। उधर चूचू टाउन में सभी दोस्त अब भी टिटिपो के लिए परेशान थे। हेलो दोस्तों। हाय जेनी। टिटिपो का पता चला? नहीं, आज भी कोई खबर नहीं मिली। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा उसके साथ? मुझे विश्वास है वो सही होगा। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। चलो, अब सोने का समय हो गया है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। छोटी रेलगाड़ी, ये इलाका ड्रैगन दादा का है। बिना मेरी इजाजत यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मैं तो सिर्फ टेस्ट के लिए निकला हूँ। टेस्ट के लिए? किसी और काम के लिए? मुझे उससे क्या। मैं तुम्हें यहाँ से तभी जाने दूंगा जब मेरे सवालों का जवाब दोगे तुम। लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें झट से निकल जाऊंगा, समझ गए ना? क्या? ठीक है। तो हमारी बात तय हो गई है ना? ठीक है, तो मैं पहला सवाल पूछता हूँ। बताओ, दुनिया की सभी चीजों में से कमाल की कौन सी है, पता है? सबसे कमाल की चीज? ये तो मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? ध्यान से सोचो, तुम्हारे सामने भी हो सकती है वो। हाँ, इसका जवाब है डीजल। वो बहुत ही दमदार मालगाड़ी है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? एक छोटी सी जगह जगह मालगाड़ी कमाल की कैसे हो सकती है? लेकिन डीजल बहुत कमाल का है। गलत, इसका जवाब है मैं, एक ड्रैगन, क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ और ऊपर उड़ सकता हूँ। मैं सबसे कमाल का हूँ। और जैसा तय हुआ था, अब तुम्हें निकलने का वक्त आ गया है। टिटिपो, ये तो भयानक सपना है। अगला दिन शुरू हो चुका है। मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, बाय एरिक, अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करना। मिस्टर होप। गुड मॉर्निंग डीजल। मिस्टर होप, क्या आपको लगता है कि भयानक ड्रैगन ने टिटिपो को निकल लिया होगा? क्या? अरे डीजल, ड्रैगन नहीं हुआ करते हैं। नहीं होते? सच में? अगर वो होते तो भी टिटिपो को नहीं खाते, है ना? मुझे तो यही लगता है। मैं पता लगाता हूँ टिटिपो के बारे में। चिंता मत करो, काम पर जाओ। ठीक है, आपसे बाद में मिलता हूँ सर। ध्यान से जाना। सभी को टिटिपो की चिंता है। उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी और सुरक्षित वापस आ जाएगा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। शुक्र है टिटिपो चूचू टाउन वापस आ रहा है। मैं अब तक घर नहीं पहुंचा हूँ। मुझे दोस्तों की बहुत याद आ रही है। हाँ? अगर ऐसा है तो मेरे साथ गाओ। हाँ, ठीक है, गाना गाता हूँ। चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक
चू चू, छोटी रेल चक चक चू चू, चले मिलकर चक चक चू चू, दौड़े पक्षी पे चक चक चू चू, गाए हम चक चक चू चू, मस्ती करे चक चक चू चू, जोर से गाए चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू, चक चक चू चू। अब रात हो चुकी है। इस हिसाब से तो टीटीपो को आज शाम तक वापस आ जाना चाहिए था। हाँ। कहीं कहीं ये टीटीपो। हेलो मिस्टर हब। मैंने कार दिखाया। स्वागत है तुम्हारा। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, मुझे चिंता हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई थी। शायद रेत के तूफान में मेरा रेडियो खराब हो गया था। ओ टीटीपो, ये मुसीबत बन सकता था। तुम बहुत थक गए होगे, जाओ थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है, गुड नाइट मिस्टर हब। गुड नाइट टीटीपो, तुम सुरक्षित वापस आ गए। टीटीपो वापस आ गया, सब सुनो, टीटीपो वापस आ गया। क्या कहा उसने? शायद उसने कहा कि टीटीपो आ गया। टीटीपो वापस आ गया है। सच में? हाँ, वो देखो। टीटीपो ही है। टीटीपो। हेलो दोस्तों, तुम अब तक जाग क्यों रहे हो? क्योंकि हम सबको तुम्हारी चिंता हो रही थी। हम बहुत खुश हैं कि तुम वापस आ गए। टीटीपो। मुझे माफ कर दो, नहाने जाते समय मैं तुम्हारा रास्ता रोकता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ गए। मुझे लगा कि मैं तुमसे दोबारा मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हें ड्रैगन ने खा लिया था। मैं बहुत परेशान था। डीजल, ड्रैगन सच में नहीं होते। कितने बुद्धू हो तुम। डीजल, तुम भी क्या क्या सोच कर बैठ जाते हो। तुम्हें पक्का पता है ड्रैगन नहीं होते? मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। टीटीपो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? कमरे इतने बड़े नहीं है कि दो रेलगाड़ियाँ सो सके। मुझे पता है, लेकिन शायद मैं अंदर चला जाऊँ। मैं सिकुड़ कर अंदर चला जाऊँगा। चूचू शहर के दोस्तों ने टीटीपो का जबरदस्त स्वागत किया। गुड नाइट छोटी रेलगाड़ियों। बीते समय में जाने वाला टीटीपो। सुबह देर से जागने की वजह से टीटीपो हड़बड़ी में स्टेशन जा रहा है। बहुत देर हो गई। सभी को हेलो। ओह चलो, आए तो सही। इतना लेट कैसे हो सकते हो तुम? सबसे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ओह माफी चाहता हूँ। ठीक है, हम चल रहे हैं। अगर मुझे समय पर पहुँचना है तो दौड़ना पड़ेगा। जल्दबाजी में टीटीपो लापरवाही कर गया। हम स्टेशन पहुंच गए। हाँ, अरे ये कौन सा स्टेशन है? अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? क्या? ओ, हाँ, ओ, 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 हाँ? अरे नहीं, मैं गलत स्टेशन पर आ गया। क्या कहा, गलत स्टेशन? अब तो मैं लेट हो ही जाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत पटरी पर चलाया। अब आपको ठीक स्टेशन पर ले जाता हूँ। काम के बाद टीटीपो चूचू शहर वापस आ गया। टीटीपो, सुबह तुम गलत स्टेशन पर क्यों चले गए थे? वो जल्दबाजी में दूसरी पटरी पर चला गया, माफी चाहता हूँ। ध्यान रहे, ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है। शायद मुझे यात्री लाने ले जाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। टीटीपो, गलतियाँ सबसे होती हैं बेटा। आपको छोड़कर आप कभी गलती नहीं करते। मैं भी करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे इतनी गलतियाँ होती थी कि एक बार परेशान होकर मैं नौकरी छोड़ने लगा था। लेकिन तब एक रेलगाड़ी ने हौसला बढ़ाकर मेरी मदद की। वो कौन सी रेलगाड़ी थी? अगर मुझे ठीक से याद है। फोन बज रहा है। हे, सॉरी टीटीपो, बाद में बात करेंगे। ओ, जरूर। अपना मन शांत करने के लिए टीटीपो ताजा हवा खाने निकल पड़ा। मिस
मिस्टर हब गलतियाँ किया करते थे, मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हाँ? ओ? क्या इस रास्ते पर पहले सुरंग थी? मुझे तो याद नहीं यहाँ सुरंग थी। ओ? वो क्या है? अभी अभी क्या हुआ था? बहुत अजीब सुरंग थी। ओ, ये स्टेशन अलग सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो मिस्टर स्टीम है। मिस्टर स्टीम, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मिस्टर स्टीम, मैं टिटिपो हूँ, याद आया? टिटिपो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। क्या? ओ, ये तो बहुत जवान लग रहे हैं। मिस्टर स्टीम, आप इतने अलग क्यों लग रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? खैर, देर हो रही है, मुझे अभी काम पर जाना है। काम पर? हाँ। ओ, बहुत अजीब बात है। वाओ। देखो मॉम, हाँ? कितनी सुंदर रेलगाड़ी खड़ी है यहाँ पर। देख रही हूँ। हेलो, तुम्हें रेलगाड़ियाँ पसंद हैं? बहुत पसंद है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक रेल मैकेनिक बनूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। थियो, घर चलें बेटा? बिल्कुल, चलिए चलते हैं मॉम। एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा नाम है टियो? हाँ, टियो। टिटिपो। क्या सच में तुम टियो हो? हाँ? तुम मुझे जानते हो? ओह, नहीं, नहीं जानता। गुड बाय टियो। ठीक है, बाय। चलो। स्टीम की तरह टीओ की उम्र भी कम हो गई। ये सब क्या हो रहा है? चूचू शहर देखकर आता हूँ। टिटिपो उस तरफ चल पड़ा जहाँ शहर होना चाहिए। वाह! चूचू शहर भी बदला हुआ है। हर्बी! हाँ? अब ये हर्बी कहाँ चला गया? मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। हर्बी? आज फिर से देर हो जाएगी। क्या इसका मतलब है मिस्टर हर्ब? ओ, क्या ये सच में मिस्टर हर्ब है? सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। ओ, मिस्टर हर्ब भी जवान लग रहे हैं। स्टीम, टियो और अब मिस्टर हर्ब, सबकी उम्र कम हो गई है। अब समझा, मैं पिछले समय में पहुंच गया। हर्बी, हमेशा क्यों देर से आते हो तुम? सॉरी, नींद देर से खुली है आज। अब जल्दी बताओ मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, देखता हूँ। तुम्हें आज जाना है। ओ, गिर गए। तुम फिर से देर करवाओगे। ओ, तुम्हें जाना है। मेरे ख्याल से बंदरगाह जाना है। ओ हर्बी। मिस्टर हब सच में गलतियाँ करते थे। टिटिपो, टिटिपो। मैं जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मिस्टर हब, ओ मेरा मतलब हबी, गुड मॉर्निंग। हेलो, मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम? मैं दूसरे शहर से हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हबी। अच्छा, ये बात है। हबी। हाँ बोलो, बताओ क्या बात है? तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया। ओह, अरे बंदरगाह नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया जाना था मुझे। तुम्हें पक्का पता है? ओह, ठीक कह रहे हो। अब तुम्हारी वजह से फिर देर होगी। मैं माफी चाहता हूँ, आज फिर गलतियाँ हो रही हैं। बेचारा हबी। हाँ? अगर काम पूरा हो गया हो तो झील के किनारे चलोगे, इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हाँ, सोचो मत, आ जाओ। टिटिपो हर्बी को पास की एक झील के किनारे ले गया। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? हाँ, मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ। छोड़ दूँ? लेकिन क्यों? मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और शिफ्ट गड़बड़ा जाती है। ओ हर्बी। टिटिपो, गलतियाँ तो सबसे होती हैं बेटा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। जानता हूँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझसे। मेरे शहर के ट्रेन मास्टर भी बहुत गलतियाँ किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ चुटकियों में संभाल लेते हैं।
अच्छा, तुम्हें लगता है मैं भी उनके जैसा काम करने लगूंगा? मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा। अरबी, अरबी, स्टीम बोल रहा हूँ। स्टीम, कहो क्या बात है? मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी अचानक पता नहीं क्यों मेरे पहिए जाम हो गए। अब मैं क्या करूँ? क्या, तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो, मैं अभी पहुँचता हूँ। स्टीम खराब हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं उसे संभाल लूंगा? क्यों नहीं, तुम संभाल लोगे, अपने पर विश्वास रखो। हबी, हाँ, तुम ठीक कहते हो, जल्दी स्टीम के पास चलो। ठीक है। स्टीम, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं जरा भी नहीं चल सकता। यात्री इंतजार कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं सर्विस ट्रेन बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है। स्टीम खराब हो गया है, क्या तुम अभी आ सकते हो? हाँ, मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। वाह, ऐसे मिस्टर हब को ही मैं जानता हूँ। सर्विस ट्रेन अभी आ रही है, चिंता मत करो स्टीम। ठीक है हर्बी, लेकिन मेरी शिफ्ट का क्या होगा? मुझे तुम्हारी जगह किसी और को भेजना होगा। समझ गया। सुनो, क्या तुम स्टीम की जगह जाओगे? मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। जरूर, क्यों नहीं। चलो चलते हैं। अब अगले चौराहे से सीधे हाथ वाली पटरी पर आ जाओ। ठीक है। टीटीपो और हबी मिलकर स्टीम का काम संभाल रहे हैं। चलो, पहुंच गए। सभी को बाय बाय। गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं गलतियां करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी शिफ्ट में कोई परेशानी नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है सब कुछ ठीक हो गया। शुक्रिया। अब से मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि एक दिन मैं एक बड़े शहर का स्टेशन मास्टर बन सकूं। वाह। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ, अब रेलगाड़ियाँ वापस आने वाली होंगी। हाँ, समय कितना जल्दी बीत गया, मुझे वापस चलना चाहिए हबी। ओह, जा रहे हो? क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे, मुझे विश्वास है हम बहुत जल्दी मिलेंगे हबी। अच्छा, ध्यान से जाना, मदद के लिए शुक्रिया। बाय बाय हबी। गुड बाय। ओह, मैं भूल गया, एक मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है। ओह, मैं आज के समय में लौट आया, चूचू शहर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये है चूचू शहर, मैं वापस आ गया। मिस्टर हब। ओ टीटीपो, आज तो बहुत जोश में लग रहे हो। हाँ, आगे से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा और एक शानदार रेलगाड़ी बनूंगा। बहुत बढ़िया। ये बताओ, तुम में अचानक ये बदलाव क्यों आया है? मैंने देखा एक आदमी जो हमेशा गलतियाँ किया करता था, अपनी मेहनत से कैसे कामयाब हुआ। अच्छा, कौन है वो? कोई ऐसा है जिसे मैं भी जानता हूँ? मैं नहीं बता सकता। ये एक राज है। शैतान कहीं का। अपनी मेहनत से टीटीपो एक शानदार रेलगाड़ी बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हर्ब एक अच्छे ट्रेन मास्टर बने।